नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा। भारत में चुनाव के बीच पीओके का मुद्दा भी गरमाया है। पीएम से लेकर अमित शाह और राजनाथ से लेकर योगी तक सब कह रहे हैं कि पीओके भारत का है और जल्द वो भारत में शामिल हो जाएगा। लेकिन इन सबके बीच पीओके में हालात कुछ ठीक नहीं। पीओके भी पाकिस्तान से आजादी चाह रहा है और वहां इसके लिए लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जो हालात हैं उसे देखकर तो लग रहा है कि राजनाथ सिंह की भविष्यवाणी सच होने वाली है कि पीओके लेने के लिए भारत को कुछ नहीं करना है, पीओके खुद भारत के साथ आ जाएगा और यह उसी की तैयारी दिख रही है। दरअसल पीओके के लोग भारत में मौजूद कश्मीर की तरक्की देखकर हैरान है। वहीं पीओके में खाने के लाले पड़े हैं, महंगा आटा और तेल के खिलाफ ये प्रदर्शन कर रहे हैं और पाकिस्तान से आजादी मांग रहे हैं। ये प्रदर्शन पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद में हुए। इस हड़ताल के दौरान न सिर्फ व्यवसाय बंद रहे बल्कि सामान्य जनजीवन भी प्रभावित हुआ। इस दौरान सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव भी हुआ और हिंसक झड़पें भी देखी गई। हालांकि पाक सेना और पुलिस पर पीओके के लोगों का हौसला भारी पड़ा और पाकिस्तानी पुलिस को उल्टे पांव भागना पड़ा। पीओके के लोगों ने एक पाकिस्तानी जवान को पकड़कर खूब पीटा और उसे पहाड़ से फेंक दिया। पुलिस जब इन पर जाप्ती करने लगी, आंसू गैस छोड़ने लगी, तो इन लोगों ने भी पथराव की और मस्जिदों को निशाना बनाया। इस हड़ताल को रोकने के लिए पाक सरकार ने पूरे पीओके में धारा 144 लागू कर दी और 10 और 11 मई को सभी स्कूलों में छुट्टियों की घोषणा भी कर दी थी। दरअसल बिजली संकट और आटे के बढ़ते दाम पीओके के लोगों के लिए सिरदर्द बने हुए हैं और पाकिस्तानी अनदेखी से वे परेशान हो गए हैं, इसलिए वे पाकिस्तान से आजादी मांग रहे हैं। कल इसी प्रदर्शन के दौरान भारतीय झंडा फहराने की तस्वीरें भी सामने आई थी, जिससे यह साफ हो जाता है कि पीओके के लोग अब पाकिस्तान से आजादी चाहकर भारत में शामिल होना चाहते हैं। बहरहाल, आप क्या कुछ कहेंगे इस खबर पर कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।